होए होए हेलो गाइस, मतलब आजकल ना आपको ये डरावनी और स्कैरी माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज देखने में बड़ा मजा आ रहा है ना। मतलब एकदम फुल चिल में भाई, कोई डर नहीं। देख लेना, अबे साले पक्का डर नहीं लगता ना। अरे तू जा रही। चलो फिर सोचो मेरे साथ कि आप निकले हो एंशिएंट सिटी में सारी चेस्ट लूटने। यस, सारी चेस्टों में एकदम मस्त पोछा मार लेते हो। बट तभी गाइस सर के जादू टोना करने वाली आती मतलब बीच आती है और पानी के गड्ढे में कुछ काला जादू करके उस पानी के कलर को लिटरली लाल बना देती है। और हाँ, कोई पान वान थूक के लाल नहीं बनाया भाई, जादू से लाल बनाया। और उस जादू का असर भाई पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, वर्ल्ड एकदम करप्ट होने लगता है और उस रेड वाटर में से ब्लड वार्डन निकलता है। वेट, एक सेकेंड, यकीन नहीं हो रहा है ना भाई मुझे क्या हो रहा है। तभी तो भाई मैं आज कुछ ऐसी ही भयानक स्कैरी मिस्ट्रीज ट्राई करने वाला हूँ। यस, जो कि भाई मेरे हर जगह से फूस करके हवा निकाल देगी। अरे उसका टेंशन ना करो भाई, वो तो मैं देख लूंगा, बस आप ना मेरे लिए लाइक बटन पे क्लिक कर देना। यस ओके, तो गाइस सर हमारी फर्स्ट मिस्ट्री वही है जो मैंने आपको इंट्रो में बताई, ब्लड वार्डन वाली। और हाँ, ऐसा भी कहते हैं कि ये विच उसी एंशिएंट सिटी में आती है जिसमें माइनशाफ्ट हो। तो मैंने कुछ ऐसी एंशिएंट सिटी ढूंढ ली है और अभी बस मुझे यहाँ पर पहले इन मोमबत्तियों को जला देना है। ओके, और अभी मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ और यहाँ से एकदम चुपके से देखेंगे कि सच में कोई चुड़ैल आकर वहाँ पर जादू टोना करती है या फिर लोगों की फालतू में फटती है। ओह शिट भाई, नो फिर भाई, सच में बीच आ गई। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी बीच कैसे स्पॉन हो सकती है भाई। मैंने सच में बीच देखी या फिर कुछ और देख लिया। ओए ओए, व्हाट, गायब भी हो गई, मतलब बिना कुछ कर गायब। ओ ओ ओ शिट भाई, एक सेकेंड, ये इफेक्ट कहाँ से लग गया मेरे को। रुको, मुझे कुछ आवाज आ रही है, एक सेकेंड, यहीं पर रहते। ओके, ब्लाइंडनेस हट गया भाई साहब। क्या, ओ नो, ये नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर तो बीच के आने के बाद सच में पानी लाल हो गया। निकलो यहाँ से भाई। ओ व्हाट, ओ भाई ब्लड वार्डन के आने की भी आवाज आ रही है, मैं निकल रहा हूँ इस वर्ल्ड में से। भाई मुझे नहीं पता था यार माइनक्राफ्ट में ये सब भी होता है। खैर, अगर आप लोग ट्राई करो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और गाइस, वैसे क्या आपने बिना मुंडी के स्टील के बारे में सुना है? यस भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में माइनक्राफ्ट का एक ऐसा वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है एरर 422। यस, ये है माइनक्राफ्ट का सबसे स्कैरी वर्जन जो कि काफी ज्यादा ग्लिची है। और सबसे बड़ी बात, उस वर्जन में भाई हम ऐसे स्टीव बनके खेलते हैं जिसकी मुंडी ही गायब है और कहते हैं कि हम उस लॉस्ट हेड को किसी भी माइनक्राफ्ट वर्जन में ढूंढ सकते हैं। उसके लिए बस हमें कुछ ट्रिक्स यूज करनी है। जब भी हम माइनक्राफ्ट में मरते हैं ना, तब गेम कुछ डेटा स्टोर कर देता है। अगर कैसे भी करके हम उस डेटा को स्टोर ना होने दें तो वहां पर लेजिट एक स्टीव हमारी पूरी गेम कंट्रोल कर सकता है और हमें उस कर्स्ड स्टीव का हेड भी दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टीव बन के आ गया हूँ और मैंने एक नॉर्मल वर्ल्ड भी क्रिएट कर दिया है। तो चलो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। नहीं, ये नॉर्मल तरीके काम नहीं करने वाले। तो यार मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि भाई नॉर्मल तरीकों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ हटके तरीके यूज करने पड़ेंगे। मतलब इन्हीं सारी चीजों को यूज करके, समझ रहे हो ना, खुद का कचुंबर बनवाना है बेसिकली। हाँ, समझ रहे हो ना, स्टीव मुंडी मिले ना मिले मेरी जरूर चली जाएगी। ओके, तो पहले ये एनविल अपने मुंह पर पटकता हो, बड़े जोर से लगी होगी। ओके, देखते जरा छुपके, कोई नहीं दिख रहा यार, ये लग गए नुकीले पत्थर। और अभी हॉपर के साथ थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। यस, नीचे हॉपर रखते हैं और यहाँ पर सैंड रख देते हैं, खत्म। ओके, क्या इसके नीचे मुझे स्टीव की मुंडी दिखेगी? भाग, सब फालतू है। ये देखो भाई, स्टोन कटर से बैंड बजवाने के लिए मैंने लेजिटिक मशीन बना दिया है। ओके, निपट गया बस इतू सा। ओ यस, अब तो दिखेगी स्टीव की मुंडी। बे यार, रात भी है, कमोन यार, हेलो। तो देखो यार, इतना कुछ ट्राई करने के बाद मुझे पता चल गया कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो बस मैं फिर से चला गया रिसर्च करने और मुझे पता चला कि भाई नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर हम कुछ भी कर ले, प्लेयर डेटा सेव रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भाई मैंने अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला और आपको तो पता ही है मैं हूं ही कितना जीनियस। मुझे पता चल गया इसका एक तरीका। यस, और वो है हार्डकोर वर्ल्ड। देखो मैं समझाता हूँ भाई, हम सबको बताया कि हार्डकोर वर्ल्ड में एक बार निपटने के बाद हम सीधा स्पेक्टेटर मोड में चले जाते हैं, वहां पर कोई रिस्पॉन बटन नहीं होता। तो बस उसका मतलब है कि गेम प्लेयर का डेटा स्टोर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ हार्डकोर वर्ल्ड को क्रिएट करने, लेट्स गो। और अभी नो टाइम पास, ये कर दिया जंप, बूम बैम। और अभी मैं चीट्स को ऑन कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ आराम से क्रिएटिव में, क्योंकि गेम के हिसाब से मैं एक हार्डकोर वर्ल्ड में खेल रहा हूँ और गेम ऑलरेडी फिनिश हो गया है। वही है, मानो कि ना मानो आपके भाई में दिमाग तो है, बस स्टीव मुंडी भी दिख
जाए कहीं तो होगा, अब तो दिखनी चाहिए भाई, अब तो क्या दिमाग लगाया मैंने। ओए व्हाट, ओए एक सेकंड, मैं भाई माउस पे भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक कैसे हिल रहा है। ओके रुक गया, पता नहीं क्या हुआ था ये मुझे। ओके अब शायद से मैं अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वेट, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मैं देखो मैं आगे जा रहा हूँ और करेक्टर पीछे आ रहा है, ये उल्टी चीजें क्यों हो रही है। ये देखो यहाँ पर मैं लेजिट डी दबा रहा हूँ फिर भी लेफ्ट में जा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है भाई, मेरी किस को क्या हो गया। एक सेकंड, कीबोर्ड खराब हो गया या कुछ और लोचे हो गए। एक सेकंड, भाई ये ऑटोमेटिक कीज कैसे चेंज हो गई। ओके आई थिंक शायद से अब तो कुछ दिखना चाहिए भाई, क्योंकि अजीबोगरीब चीजें होना स्टार्ट हो गई है भाई, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन जहां पर मैं कूदा था वहां पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये एडवांसमेंट मुझे कैसे मिले भाई, ये ऑटोमेटिक चीजें क्यों हो रही है। हेलो, बट ठीक है एडवांसमेंट ही मिले, अच्छी बात है, लेकिन 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 फिर भी यार ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सब हो रहा है तो स्टीव की मुंडी क्यों नहीं दिख रही फिर। ओ नो भाई मैंने कुछ देखा, और ये ब्लाइंडनेस फिर कहां से आ गया। तो गाइस हमारी नेक्स्ट मिस्ट्री है कि भाई जो गेम में एंडरमैन होते हैं ना, ये सिर्फ बाहर से एंडरमैन है, अंदर से भाई ये है एक लंबे चौड़े भयानक दिखने वाले स्टीव। और ये थियरी काफी पॉपुलर चैनल ने कुछ साल पहले रिलीज की थी। यार देखो वैसे तो साफ साफ दिखाई देता है कि कहां एंडरमैन और कहां ये भद्दा सा स्टीव। यार उसके पास जादू टेलीपोर्ट होने की शक्तियां और स्टीव, लेकिन यार हम स्टीव बन के खेलते तो एक पावर तो हमारे पास भी जो माइनक्राफ्ट में किसी के पास नहीं है, ब्लॉक्स को प्लेस करने की पावर। यस भाई हम ही है जो ब्लॉक्स को रख सकते हैं। हाँ हाँ लग रहा है ना ऐसा, लेकिन नहीं, एक ही वो मोब है जो माइनक्राफ्ट में ब्लॉक्स को उठा सकता है, यस एंडरमैन। तो अगर ये ब्लॉक्स को उठा सकता है तो क्या पता प्लेस भी कर ले। नहीं ऐसे पूरा दिन खाली पीली ब्लॉक्स को उठाकर थोड़ी घूमते होगे, चलो देख ही लेते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं एंडरमैन की पोल खोलने के लिए आ गया हूँ एंड सिटी में, और चलो देखते कि आखिर इस एंडरमैन के पीछे कौन छुपा हुआ है। ओए ओए ओए, वैसे एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पर भाई कोरस फ्रूट्स रहते हैं ना। हाँ देखो एक सेकंड में समझाता हूँ, एंडरमैन के अलावा एंड डायमेंशन में और कौन सा मूव रहता है, ये सल्कर, और उसको पहले से क्या मिलता है, ये घटिया सी चीज जिसको हम खा थोड़ी ना सकते हैं, और एंड डायमेंशन में खाने के लिए सिर्फ ये कोरस फ्रूट है, मतलब कि एंडरमैन खाना खाता है और वो भी कोरस फ्रूट। यस, और ये एक और सिमिलैरिटी हो गई। वेट, ये लोग सिर्फ एंड डायमेंशन का खाना खाते हैं तो क्या पता सिर्फ एंड डायमेंशन के ही ब्लॉक्स भी प्लेस कर पाए। नहीं देखो लॉजिक तो बनता है। ओके तो यहाँ पर मैं ब्लॉक्स प्लेस कर देता हूँ। व्हाट, ये किसने बनाया है, मैंने तो नहीं बनाई है। हेलो यार छोड़ो, देखो मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है इस वर्ल्ड में, ठीक है मेरी ऑलरेडी बहुत गंदी वाली फट रखी है, मैं यहाँ पर फटाफट ब्लॉक्स प्लेस कर देता हूँ और देख लेते कि कोई एंडरमैन आकर चीजें इधर उधर करता है कि नहीं। ओके जरा देखते हैं इनमें से कोई भी ब्लॉक्स लगाता है, उठाता है, क्या करता है। अरे हेलो, बस सारे मुंह ताक रहे भाई, कुछ तो करो ना। ना भाई ये मिस्ट्री फालतू चीज है भाई, मैंने बहुत वेट कर लिया, ये दिमाग खराब कर रही है एंडरमैन। ये असली वाले तो है ना, मतलब अटैक वटैक करते भी है कि नहीं। ओ नहीं, कर रहा है। एक सेकंड, अरे मानना बंद कर यार, इनकी आवाज थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही भाई, मैंने इतनी नजदीक से कभी आवाज सुनी नहीं। कुछ कह रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। यस, और इसी आवाज को और डीपली सुनने के लिए मैंने भाई दिमाग लगाया। यस, आपको तो पता ही है। ओके तो भाई मैंने यहाँ पर एंडरमैन की सभी आवाजों को एक ऑडियो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दिया, और अभी जरा ध्यान से सुनते। ओए ओए एक सेकंड, फिर से लगाइयो यार, ये तो साफ साफ हाय बोल रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है, और यहाँ पर क्या है। नहीं ये कुछ समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा फिर से करता हूँ। ओए ओए, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये व्हाट्सएप बोल रहा है, ये क्या बोला बे, एक सेकंड, ये क्या है भाई। ओके, लुक फॉर द आई, यस ये ऐसा कुछ बोल रहा है भाई। नहीं नहीं भाई, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी कुछ बोल रहा है भाई, हाय देयर ऐसा कुछ, और आई एम गुड। हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। देखो यार मानो कि ना मानो, मुझे तो लग रहा है कि एंडरमैन के पीछे स्टीव ही हो सकता है। वैसे छोड़ो उसको भाई, क्या आपने कभी शैडो मैन के बारे में सुना है। यस भाई, ये तो सबसे डेंजरस है। जरा सोचो भाई, कोई आपकी शैडो के थ्रू आपकी पावर्स को यूज कर रहा है, और आपको हमेशा लगता है कि आपके आसपास कुछ है भाई, कुछ तो लोचा है।
लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है, सब एकदम नॉर्मल। यस, ये शैडो मैन भाई बड़ा डेंजरस और पावरफुल है। और कहते हैं कि ये शैडो मैन तभी आता है जब माइनक्राफ्ट में शैडो हो, और शैडो तो मेरी दिख ही नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने शैडो को कर दिया है ऑन, लेकिन ऐसी गोल गोल शैडो से कुछ नहीं होने वाला है यार। माइनक्राफ्ट की डिफॉल्ट शैडो कितनी भद्दी है, इससे कुछ नहीं होगा भाई। शैडो थोड़ी रियलिस्टिक चाहिए। नहीं, आ गया वीडियो में, हो गया खुश। ज़ॉम्बीज के भी अलग ही शौक चल रहा है आजकल। ओके, तो यहाँ पर भाई मैंने अपने मस्त वाले शेडर्स लगा दिए और शैडो देखो भाई कितनी रियलिस्टिक लग रही है, एकदम चकाचक। यस, बस अभी ये हाल भी चकाचक रहे तो बढ़िया है। चलो भाई चलते हैं इस काली अंधेरी गुफा में, क्योंकि रात में तो अंधेरी गुफा वैसे ही खतरनाक होती है, क्या पता कुछ दिख जाए। ओके, यहाँ पर वहाँ पर ना ना कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी टॉर्चेस में लगाते जा रहा हूँ ताकि शैडो बनती रहे, जिससे शैडो मैन को पावर मिले। ओ, यहाँ पर नीचे माइनशाफ्ट भी है। ओके, लेकिन शैडो मैन कहीं पर नहीं है। भाई मैंने देखो केव में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई शैडो मैन वेडो मैन नहीं दिखा। पक्का मैं कुछ गलती फिर से कर रहा हूँ। ओके, मैं जस्ट अभी गूगल से एक पोस्ट देखकर आया हूँ, जहाँ पर बंदों ने लिखा है कि अगर हमको माइनक्राफ्ट में शैडो मैन देखना है तो लगातार 3 दिन तक जागना पड़ेगा, मतलब सोना नहीं है। और माइनक्राफ्ट के साथ साथ रियल लाइफ में भी रात को 3 बजे हमको शैडो मैन को ढूंढना है। यस, अब होने वाली हालत खराब। ओके, तो भाई रात के बज गए हैं 3, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 3:30 के आसपास बज गए भाई। मैंने अलार्म रखा था लेकिन बजा नहीं, पता नहीं कैसे, बट छोड़ो चलते सीधा गेम में। ओके, तो गेम में तो देखो 3 दिन जागने की जरूरत है नहीं, ये मैंने कर दिया टाइम सेट, ये बज गए गेम के अंदर 3 दिन जागने के बाद रात के 3। भाई हाँ, रात को 3 बजे भी दिमाग तो चल रहा है मेरा। थैंक यू। ओके भाई, तो मैं उस केव की माइन शाफ्ट के अंदर आ गया हूँ, और सामने भाई क्या लग रहा है, डरूंगा मैं ये फुद्दू चीज से डरूंगा? मेरे को कोई डराओ शैडो मैन, कम ऑन यार, इतनी आसानी से तो नहीं डरूंगा। ये लो भाई शैडो मैन नहीं लेकिन डायमंड मिल गया मुझे, चलो बढ़िया है, कुछ तो मिला भाई, रात को 3 बजे आने का कुछ तो फायदा हुआ। ओके, वहां पर कुछ ये नहीं हो सकता ब्रो, कैसे? What the hell भाई, मेरे को निकालो यहाँ से भाई, मेरी नहीं यार, मेरे को निकलने तो भाई, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, हेलो नहीं। ओके, और ये टेलीपोर्ट कैसे कर रहा है? कहते भाई यार कभी मेरे को जाना तो मैं कौन सी लैंग्वेज बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज भाई। मैं क्रिएटिव में हूँ यार, मुझे नहीं डरना चाहिए, मैं चुपचाप से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ एकदम फुल तेज में। आई एम इन क्रिएटिव ऑर्डर भाई, ये फिर कैसे मुंह पर कैसे आ रहा है ये बार बार? ओके, मैं जा रहा हूँ, मुझे गेम खेलना ही नहीं भाई, रात को 3 बजे क्या हालत कर दी मेरी भाई, पसीने छूट गए। नहीं मिल गए, मचे यही देखने आए थे ना भाई, अब तो कर दो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, बस हो गया भाई। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और पीसी बंद कर देता हूँ इसकी भैंस की।